हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ आर रिवीजन सीरीज फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12। और इसके अंदर जो दो पार्ट हम डिस्कवर कर चुके हैं उसका एक कंटिन्यूएशन है थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि आपको ABCD फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब ABCD फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि जब रिएक्शन होगी तो ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा और यहाँ पे डी क्या चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है हम यहाँ पे ABCD के माध्यम से प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज इस तरह के सवाल को करने का जो सबसे बड़ी जो ट्रिक है या सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो एक शॉर्ट जो मेथड है वो ये है कि आप पहले रिएक्शन को पहचाने कि एक्चुअल में रिएक्शन कौन से टॉपिक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास MG है, मेरे पास एक हेलोजन भी है ब्रोमीन, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है जिसको हम RB बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को देख के मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्रिग्नार्ड के बारे में पता है, जो कि अब तो पता होना ही चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिंबल क्या होता है, RMgX, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर Mg तो आता ही आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि Mg भी है, साथ में हेलोजन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, मतलब R भी है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन ग्रिग्नार्ड से बैठना चाहिए और यहाँ पर बैठ भी रहा है। तो अब ग्रिग्नार्ड के अंदर भी दो टाइप की प्रोसेस होती है, तो इसका प्रिपरेशन कि आप एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड कैसे बनाएं, और दूसरा होता है कि आप इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें। तो केमिकल रिएक्शन की तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमको RMgX दिया हुआ नहीं है, मतलब हमें RMgX बनाना है ना। और RMgX कैसे बनाते हैं, RMgX बनाने के लिए हमको RX रिएक्शन करवानी होती है Mg के साथ में, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले वाले में देखो, इस पूरे ग्रुप को आप क्या मान लीजिए, इसको आप R मान लीजिए, तो R ये X और ये Mg, तो ऑब्वियस बात है RMgX से बनेगा, है ना। इसलिए जो पहला जो A मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, R की जगह पे चूंकि ये रिंग दे रखा है साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक रिंग ही लिखनी है आपको, R नहीं लिखना है। R हमने अज्यूम किया है, बट एक्चुअल में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वही आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो जब अपन A की बात करेंगे तो A क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा आपका, तो नीचे कर लेते हैं, A हो जाएगा आपका, या फिर काम करता हूं मैं A को ना यहां लिखता हूं साइड में, तो A यहां पे क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक रिंग, ठीक है, साइक्लिक रिंग, यहां पर Mg और यहां पे Br, ये बन गया आपका A, ठीक है। तो यहां पे मैं छोटा सा बना भी देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए, मैं चेक भी कर लेता हूं कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो A बन गया आपका ये, अब A से क्या बन रहा है, B बन रहा है, और B कब बन रहा है, जब आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया हो। अब ये वाटर सिंपल वाटर भी हो सकता है या फिर ये एसिडिक वाटर भी हो सकता है। हम एसिडिक वाटर कब डालते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, कि भाई हमारे पास टाइम कम है, क्यों ना प्रोडक्ट को जल्दी से ऑब्टेन कर लिया जाए, तो उस केस के अंदर हम एसिडिक वाटर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल सिंपल पानी लोगे या फिर सिंपल H2O लोगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, होगी, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो जैसे हमने इसके अंदर H2O डाला, तो आपको मालूम ही है कि H2O को हम लोग कैसे लिखते हैं, H2O को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, और OH क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन है, और H क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इसलिए तो कहते हैं कि H2O आपका पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर किसलिए, क्योंकि दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। MgBr में भी ऐसा ही है, Mg आपका पॉजिटिव होगा तो R क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, वाटर का पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, वाटर का नेगेटिव। इसलिए जो आपका B बनेगा वो बनेगा सबसे पहले तो ये, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, MgBrOH, ठीक है। मतलब बी मेन कंपाउंड क्या है, बी का ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन,
ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, आपको क्लियरिटी होने रहेगी चीज़ों के बारे में। तो ये था ए रिएक्शन, मतलब जो फर्स्ट इसका रिएक्शन, इसके अंदर हमने ए और बी फाइंड आउट कर लिया है ना। बात करते हैं सी और डी की। अब सेकेंड पार्ट के अंदर भी देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं हो रही है, प्रिपरेशन चल ही रहा है, तो जो सी बनेगा वो तो कंफर्म है। सी क्या बनना चाहिए इसके अंदर आपका, सी बनना चाहिए आर एम जी बी आर, ठीक है ना, आर एम जी बी आर। तो सी जो बनना चाहिए वो आर एम जी बी आर ही बनना चाहिए, और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, आपके पास कोई हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सी की रिएक्शन हमने करवाई किससे, हमने करवाई है डी टू ओ से, डी टू ओ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी टू ओ, ठीक है ना, इसको कहते हैं डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और डी टू ओ और एच टू ओ दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि जो डी यहां पे आ रहा है, डी का मतलब होता है ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम इज द हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आप सबने आइसोटोप पढ़े होंगे और आपको आता भी होगा, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं समस्थानिक, है ना। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, ठीक है ना। कितना होगा डजंट मैटर, बट आपको मालूम होना चाहिए कि डी जो है वो आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का, मतलब ऑलमोस्ट ये हाइड्रोजन ही है। तो जो काम आप वाटर के साथ कर रहे थे वही काम आप किसके साथ करोगे, डी टू ओ के साथ करोगे। डी टू ओ कैसे ओपन हो जाएगा, डी ओ डी, जहां भी आपको गैस दिख रहा है डी लगा दो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री में डी क्या आएगा, डी आएगा कि नहीं आएगा, है ना, डी आएगा। तो ये ड्यूटेरियम वाला है, इसमें डी क्या, अगर आपसे पूछे कि डी क्या है तो डी आप क्या लिखोगे, आप डी आप लिखोगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये आप लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है ये वाला, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिखा है, आर लिखा है, लेकिन यहां पे देखो डी के साथ कोई और ही जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या जुड़ा हुआ है और आर के जगह पे क्या आएगा, ये भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। आर से इतना बड़ा कंपाउंड कैसे बना, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आर और कुछ नहीं है, यहां पर आर है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं इस पूरे कंपाउंड को, कैसे लिखूंगा, मतलब बी आर किससे जुड़ा हुआ था ये मतलब पता करना है आपको। तो सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री, और यहां पे आ गया आपका बी आर, तो ये आर है मतलब, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को अगर मैं दोबारा लिखूं, जिसको मैं मिटा के दोबारा लिख भी सकता हूं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इससे ये कैसे बना, तो मैं आपको वही बना के दिखा रहा हूं ताकि किसी भी तरह कंफ्यूजन आपकी तरफ से हट जाए। सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री यहां पर लगा दिया अपने बी आर, और जैसे ही इसकी रिएक्शन मैंने एम जी से करवाई तो मुझे क्या मिला, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री एम जी बी आर, ठीक है। और जैसे इसके अंदर आपने डी टू ओ डाला तो क्या मिला आपको, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री डी, और साथ में क्या बाहर निकल गया, एम जी बी आर ओ डी, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फटाफट बताओ मुझे कंफर्म करके, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को सॉल्व करते हैं और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो नहीं कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, आप चाहें तो रिएक्टेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एस एन वन आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैंने एस एन वन एस एन टू आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। इसके पहले के वीडियोज अगर आप देखें तो इन वीडियोज के अंदर भी मैंने एस एन वन और एस एन टू आपको समझा के रखा हुआ है, ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए मैंने आपको बताया था। तो उसी बेस ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है, कई मॉडल पेपर्स के अंदर भी मैंने देखा है ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको एस एन वन एस एन टू की बात करनी होगी तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं एस एन वन की बात करूँ तो एस एन वन के अनुसार
SN1 के अनुसार जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो कैसी होती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री कार्बन, फिर होता है आपका 2 डिग्री कार्बन और फिर होता है 1 डिग्री कार्बन। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? 321 है ना, 321, ठीक है। चलिए तो पहले केस के अंदर अगर हम देखें, फर्स्ट केस के अंदर दो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1 कॉन्सेप्ट। तो देखो आप ध्यान दीजिए, जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है उसका ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कार्बन है इसका ऑर्डर है 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है किससे कनेक्टेड है? 3 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, इससे 3 डिग्री हो गया। इस वाले में देखो ये हो गया आपका 2 डिग्री, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला जो बीच वाला जो कार्बन है किससे कनेक्टेड है? इससे और इससे, इससे 2 डिग्री हो गया। इसीलिए जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन होता है? 3 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो गया? Cl, ये दिस इज द आंसर। पहले वाले का आंसर क्या हो गया? ये हो गया। और एक्सप्रेशन क्या है? ये वाला, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड केस में आप देखिए, सेकेंड केस के अंदर जो आपका Cl था वो 2 डिग्री से कनेक्टेड है ना। देखो क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? डायरेक्टली 1 और 2। बट इसमें देखो ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाएगी इन दोनों में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1? ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री। इसके आंसर क्या हो गया? ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बड़े ही इजी तरीके से आंसर्स लिख सकते हो जो कि काफी ज्यादा इजी पढ़ते हैं और आप उसको आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें बात करनी है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, ठीक है ना। ये जो आपका टॉपिक है ये काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है, देखने में हार्ड लगता है कि स्टूडेंट को, कई लोग स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इसमें समझ में नहीं आ रहा है सर, इसमें एक तो ग्राफ है, ग्राफ कैसे बनाए, ठीक है, और क्या नाम है इसमें, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, करता है क्या है ये, है ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में, लेकिन वो चीज़ ऐसे समझाऊंगा मैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो पहले तो अपन इसको तोड़ते हैं, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अपन सेगमेंटेड करते हैं कि भाई एक्चुअली इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म? आइसोथर्म का मतलब ये होता है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, मतलब आप टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं कर रहे हो। जब भी ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है क्या कि टेम्परेचर हम क्या रखें? कॉन्स्टेंट रखें। इसको अपन कभी कभी सिंपल कह सकते हैं कि अपन ने क्या टेम्परेचर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन? ठीक है, कई लोगों को ये भी समझ में आता है एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। मैं आपको जैसे डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, एड्सॉर्प्शन होता क्या? सपोज कीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है आपके पास में, या मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेनिस की बॉल ही मान लेते हैं, ये छोटी सी बॉल है टेनिस की, ठीक है ना। अब इस बॉल की सरफेस पे, इस बॉल का सरफेस क्या हो गया? ये बाहर का जो इसका हिस्सा सरफेस हो गया। इस बॉल की सरफेस पे पानी की बहुत ही छोटी छोटी सी बूंदे, पानी की जैसे कि ओस जम जाती है ना, जैसे कि जो ड्रॉप्स होती है ना वाटर की, उस जैसे वो एक्यूमुलेट हो जाती है, वैसे ही वाटर की बहुत ही छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर क्या हो गई है? जमा हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है, ठीक है ना। तो जब ये क्या है, H2O ड्रॉप्स, या फिर ड्रॉपलेट्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब H2O के ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस पे जमा हो जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई दूसरा सब्सटेंस अगर जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो वाटर भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस सरफेस पे जमा होना चाहिए,
तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यही सारी बातें समझाई थी किसने, साइंटिस्ट फ्रेंडलिश ने। साइंटिस्ट था फ्रेंडलिश, उसने ये बताया, उसने एक्चुअली रिलेशन बताया हाउ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट प्रेशर में चेंज। मासिमारी आपको मतलब प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है, तो जब टेम्परेचर फिक्स है प्रेशर चेंज हो रहा है, उस केस में एड्सॉर्प्शन कैसे काम करता है, एड्सॉर्प्शन कैसे बिहेव करता है, तो उन सब बातों को उसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। इसलिए इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उसने ग्राफ के माध्यम से बताया था मैथमेटिकल तरीके से, इसलिए उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो यहां तक आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, और जो बातें रह गई है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, तो नोट करते रहिएगा, और फिर भी कोई चीज़ मानो दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है ना। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से उस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको, इसमें आप लिखेंगे FAI, है ना, शॉर्ट में लिखा हूं मैं इसको, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या लिखेंगे, टेल्स अबाउट द relationship between adsorbate and adsorbance during adsorption process at constant temperature and variable pressure। तो जब भी अपन FAI की बात करेंगे तो आपको हमेशा रिलेशन पता रहेगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। अब ये एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जो चीज एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, जो चीज एक्यूमुलेट हो रही है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जिस पर हो रही है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। मतलब बॉल क्या हो गया, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट कौन हो गया, H2 ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका, एड्सॉर्प्शन बनता है, एड्सॉर्प्शन बनता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन के दौरान टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए और प्रेशर जो है वेरिएबल हो सकता है, ये बात सबसे पहले कौन बताता है, फ्रेंडलिच बताता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसको और क्या बोल सकते हैं, चेंजेबल प्रेशर। मतलब जो आपका प्रेशर चेंज हो रहा हो, कॉन्स्टेंट नहीं है वो, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बिल्कुल मीडियम भी रह सकता है ना। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर, चेंजेबल प्रेशर पे फ्रेंडलिच टोल्ड एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन told a mathematical expression between adsorption process, ठीक है। तो जब आपका प्रेशर इंटरमीडिएट हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, उस केस के अंदर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, उसको फ्रेंडलिश ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाया। अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो उसने कुछ इस तरह से बताया था उसको, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पी की पावर 1/n, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसने बताया था? ये बताया था हमारे फ्रेंडली भैया ने। और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हैं कि भाई प्रेशर का और एब्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब यहां पे ये चीज देख रहे हो ना आप, ये वाली चीज, ये क्या है? ये एब्जॉर्प्शन है, ये है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये क्या है? तो प्रेशर है, पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट प्रेशर का सिंबल होता है 1/n के अंदर, ठीक है ना। एन का मतलब हो गया कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। और अब जब भी अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं तो उसको हटाते हैं कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगा के, तो यहां भी अपन वही चीज करेंगे। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n, एक नया इक्वेशन आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। सबसे बड़ी बात है काफी इजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको अपन स्किप कर दें या फिर नहीं पढ़ेंगे तो काम जो है नहीं चलेगा, चल जाएगा, या फिर इसको हम टफनेस के तरीके से पढ़ें, आप उसको इजी बना के पढ़ सकते हो। बस मैं जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाइए, ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये इक्वेशन प्रपोज करने के बाद में फ्रेंडलिश यहाँ पर रुका नहीं, उसने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई कैसे किया? उसने इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक वैल्यू के फॉर्म में लिखा, मतलब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके आगे से? टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग लेने पर जो आपका ये जो आया था भी इक्वेशन, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ अगर आपने लॉग ले लिया तो लॉग लेने के बाद आप कैसे लिख सकते हैं वो देखिए आप। तो देखो, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के इंटू पी की पावर 1/n। दोनों तरफ लॉग ले लिया अपन ने, अब लॉग लेने के बाद उसको काट नहीं देना क्योंकि फिर आपस में यही आ जाओगे आप, है ना, काटना नहीं है इसको। अब देखिए, अब अगर आपको मालूम है कि log a इंटू बी क्या होता है, बताइए, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो यहां पे k को आप क्या मान लीजिए? a। सब लोग ध्यान देखिएगा, सुनिएगा इधर, k को मान लीजिए a और p की पावर 1/n को आप क्या मान लीजिए? b। तो ये इक्वेशन आपको दिखने में कैसा लगेगा? log a इंटू बी की तरह। और जब आपको ऐसा दिखे तो ऑब्वियसली बात है उसको आप ओपन करेंगे ही करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। That is log x upon m is equals to log k plus log p की पावर 1/n, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिल गई आपको, ठीक है। अब हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि log a की पावर x क्या होता है? x आगे है तो चल गए, तो x log a, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इस इक्वेशन को, p को आप a मान लीजिए और 1/n को आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो जब आप कंप्लीटली ओपन कर दोगे इसको तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी जिस पे बेस्ड ग्राफ भी बनता है, मैं बना के दिखाऊंगा, तो इस तरह का बनता है, इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो, इसको आप इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के, बहुत ही इजी तरीका है, जो आपने प्रीवियसली सीखा है उन सबको यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि रिवीजन सेशन है तो आपको केवल ध्यान किस पे देना है? कॉन्सेप्ट्स पे और फॉर्मुलेस पे, जो कि जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक आपने जरूर नोट किया होगा। अब इस पर एक छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ भी बना देते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर शायद थोड़ी सी जगह देख रहा हूं मैं, तो वहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। और ग्राफ किस पे ड्रॉ करूंगा? इस पे ड्रॉ करूंगा। अब ये किसकी तरह, मतलब अगर मैं इस पे बेस ग्राफ बना रहा हूं तो उसका बेस क्या है, किसकी तरह दिखने के अंदर?
तो यहां पे मैं आपको भी बता देता हूं, ये दिखने में किसकी तरह है। अब जो भी यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको यह दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी बायो वालों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी आप ग्राफ पढ़ते ही हो, है ना। तो ये हो गया, इसको हम क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए। और इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखने में किस तरह हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c की तरह हो गया। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं वही ग्राफ आप प्लॉट कर देता हूं, छोटा सा ही बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर इसका O हो गया, जहां पे दो एक्सेस क्रॉस करते हैं, ये x एक्सेस हो गया, ये y हो गया, है ना, ये y है, ठीक है, वीक पे लग रहा है y। अब y पे क्या बनाना अपन को, log x अपॉन m, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ, ये तो इंटरसेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो x पे क्या है, log p है, तो मतलब हम लोग एब्जॉर्प्शन और जो प्रेशर है उसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए आपको, अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन और जो प्रेशर है, जो चेंज ऑफ प्रेशर है, उसके बीच का ग्राफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट आएगा, सी का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो लॉग के यहाँ पे इंटरसेप्ट है, थोड़ा इंटरसेप्ट मतलब थोड़ा सा गैप। और यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव वे में स्लोप जो जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए इस तरह से ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, लॉग के से। और ये हो गया स्लोप, स्लोप क्या हो गया, वन अपॉन एन, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर लिए हैं, किस पे बेस्ड, फॉर्मूला पे बेस्ड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर आपका फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे इतना सब कुछ अगर आपने लिख दिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कॉपी में कोशिश कीजिए कि आप काटापीटी ना करें, जितना कॉपी आपकी साफ सुथरी रहेगी उतना आपके ही मार्क्स बढ़ेंगे, आपको ही फायदा होगा। काटापीटी करोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। जितना कुछ आपको कंटेंट को रखना ही रखना है, साथ में साफ सुथरापन भी होना चाहिए। देखिए जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं भी आपको काटापीटी दिख रही है ना, मैंने बिल्कुल अरेंज करके बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा है। तो हर एग्जामिनर को, हर चेक करने वाले को यही चीज पसंद है कि उसको जो भी चीज मिल रही है पढ़ने के लिए वो साफ सुथरी हो, रीडेबल हो, और प्रेजेंटेशन कम से कम अच्छा तो हो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भी किसी स्टूडेंट ने लिखा है, किसी पढ़े लिखे 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने लिखा है। तो ये चीजें हर एग्जामिनर की डिमांड होती है, अगर उसकी डिमांड को आपने फुलफिल किया तो आपको अच्छे नंबर देगा, नहीं किया आपने तो थोड़े से कम नंबर आपको उसमें मिलेंगे जो आपके अच्छे हो सकते थे, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश टेस्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं दो बातें कहूंगा। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं, ठीक है। इजी कब होगा और टफ कब होगा, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं टफ की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट वगैरह लेता रहता हूँ हमारे कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो है मैंने छोड़ते हुए देखे लोगों की, नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, हटाओ दूसरे पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जबकि होता है बहुत ईजी है ना। अभी टफ कब बन जाता है, ठीक है, और ईजी कब बन जाता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए तो एक ही कारण से वो क्वेश्चन टफ बनेगा, और वो ये है आपको कंपाउंड के स्ट्रक्चर नहीं पता। जैसे यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बना के दे रहा है वो स्ट्रक्चर बना के दे, जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको हर टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी आपने चैप्टर्स में पढ़े हैं, उनके स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, है ना। तो टफ कब बन जाएगा ये क्वेश्चन मेरे लिए, जब मुझे इनके स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम होंगे कि भाई मिथाइल एमीन क्या होता है, डाइमिथाइल एमीन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, ये एनिलीन क्या होता है, ठीक है, और एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है, ठीक है।
अगर जिस बच्चे को ये चीज पता है, अगर मान लीजिए कि मुझे पता है कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब कहीं टिकेगा ही नहीं आपसे। आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम मैं 3 मिनट मान लेता हूँ, उससे टाइम लगेगा ही नहीं आपको, मतलब इसको लिखने में और आंसर करने में, ठीक है। अब देखिए कैसे। सबसे पहला डिफरेंस कि भाई इन सबका स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। तो मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मिथाइल एमीन दिखने में ऐसा होता है CH3NH2। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसको पता है इसके इनका स्ट्रक्चर, तो उसको ऑब्वियसली बातें मालूम पड़ गया होगी मेल कितना इजी है, है ना। ये चीज है सर, कैसे इजी से क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन वही इजी क्वेश्चन पता नहीं कितने के लिए टफ होगा, है ना, इसलिए मुझे ये भी करवाना पड़ेगा। तो डाइमिथाइल एमीन क्या होता है? डाइमिथाइल के अंदर हो गया तुम्हारा CH3 और ये NH, दिस इज योर डाइमिथाइल एमीन। एनिलीन क्या होता है? NH2 जुड़ा हुआ है किसके साथ में? बेंजीन रिंग के साथ में, ठीक है। और एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है? मतलब बेंजीन साथ में क्या जुड़ा हुआ है? NHCH3। तो इन चारों के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन बाकी मतलब उन सब के लिए इजी हो गया होगा जो पहले इसको टफ मान रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या होता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएं और दोनों में से आपको कोई ऐसा एक टेस्ट बताना है, ऐसा एक केमिकल रिएक्शन बताना है जिनसे एक तो रिएक्ट कर जाए, मतलब दोनों में से कोई एक रिएक्ट कर जाए दूसरा ना करे, तो आराम से आपको सेपरेट कर सकते हो। इसलिए डिस्टिंग्विश टेस्ट को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, सेपरेशन टेस्ट या फिर रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब आपको कोई दो रिएक्शन दो कंपाउंड दे दिए और आपको बोला है कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जो दोनों में से केवल एक ही कर सकता है, ऐसी रिएक्शन आपको लिखनी है, समझे, ऐसी रिएक्शन आपको लिखनी है जिसमें दोनों में से कोई एक कंपाउंड ही रिएक्ट करता हो, दूसरा नहीं करता हो। और दूसरा रिएक्ट नहीं करेगा तो वैसा का वैसा रह जाएगा और आप हो गए सेपरेट हो आराम से, है ना। तो देखिए अगर आप पहले वाले कंपाउंड को देखें मिथाइल एमीन को, ये दोनों अलग क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। इन दोनों कंपाउंड में इसको मैं कहूंगा प्राइमरी एमीन और इसको मैं क्या कहूंगा? सेकेंडरी एमीन। एमीन वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया, मतलब है ना। ये भी है आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, एरोमेटिक एमीन, और ये हो गया सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, और मुझे जैसे मालूम पड़ा कि ये प्राइमरी है सेकेंड है सेकेंडरी है, तो नाइट्रोजन, ध्यान रखना एमीन के अंदर, सब लोग सुनिए, अगर एमीन के अंदर नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, दो जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, और तीन जुड़े हुए तो टर्शियरी, चार जुड़े हुए हैं तो क्वार्टरी, है ना, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी फंडामेंटल बेसिक था मैंने आपको बता दिया है, अब से इसके आंसर पे चलते हैं। तो मुझे कोई ऐसा रिएजेंट देखना पड़ेगा जो दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करता होगा, तो इससे या फिर इससे, तो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेम केस मुझे यहां पे भी करना है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही केस के लिए जो सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है, जो बेस्ट जो केमिकल रिएक्शन यहां पर लिखेंगे वो है कार्बिल एमीन टेस्ट, इसके लिए भी और इसके लिए भी। कार्बिल एमीन टेस्ट, ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कार्बिल एमीन टेस्ट वर्क्स फॉर ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन, ठीक है, और वो एलिफैटिक भी हो सकता है या फिर वो एरोमेटिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही सेगमेंट में आप देखिए आपको 1 डिग्री एमीन दे रखा है, बताइए कहां?
ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बिल एमीन टेस्ट वर्क्स फॉर ओनली प्राइमरी एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी एमीन आपका एरोमेटिक हो या फिर वो एलिफेटिक हो, आप इजिली रिएक्शन करवा सकते हैं और रिएक्ट कर भी जाएगा, है ना। तो जब आप कार्बिल एमीन टेस्ट करवाओगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा बट ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और कार्बिल एमीन टेस्ट के अंदर रिएजेंट हम क्या लेते हैं जल्दी बताइए, इससे आपकी रिएक्शन भी क्या रिवाइज हो रही है कार्बिल एमीन वाली, नेम रिएक्शन का ध्यान रखना। इसके अंदर अपन यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH। कई बुक्स के अंदर ये एल्कोहलिक लिखा होता है और कई बुक्स के अंदर ये एक्वस भी लिखा होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको तुरंत क्या करना है, इसके रिएजेंट को लिख के टेस्ट कर देना है, ठीक है। और रिएजेंट अगर ये है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता होगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव टेस्ट क्या है, मतलब अगर आपने रिएक्शन ये रिएजेंट डाला रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई कार्बिल एमीन का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो गया, मतलब ये कंपाउंड टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा एक अजीब प्रकार की स्मेल से, स्मेल बोले तो ओडर से, ठीक है ना। और जब भी कार्बिल एमीन टेस्ट अगर टेस्ट कर रहा है रिएक्शन अगर दे रहा है तो हमेशा क्या बनाता है, मतलब कौन सी स्मेल देता है वो, उसको कहते हैं फॉल्स स्मेल, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट बनने के कारण जो आपका कार्बिल एमीन टेस्ट है वो फॉल्स स्मेल देता है, मतलब फॉल्स स्मेल कहते हैं कि सड़ी हुई मछली की जैसे बदबू आ रही है, जैसे जब जो मछली सड़ जाती है ना तो जैसी वो स्मेल होती है बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसकी वजह से आइसोसाइनेट क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए फटाफट, पूरा कपड़ा नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, चलिए अब जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर भी हो गया है, इसलिए मैं दोबारा इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैं कह रहा था कि कार्बिल एमीन केवल किसके लिए है, प्राइमरी एमीन के लिए, है ना। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा और ये रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा ये रिएक्ट नहीं कर ये कर जाएगा, तो हो गया सेपरेशन, है ना। तो मैं दोनों की केमिकल रिएक्शन यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि एक्चुअल में रिएक्शन हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है और आइसोसाइनेट कैसे बन रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं CH3NH2 को, और इसके अंदर जैसे ही मैंने CHCl3 और KOH डाला, थोड़ा सा मैंने मालूम हीट भी कर दिया, ठीक है, तो आपको मिलेगा CH3NC, और CH3NC क्या है, आइसोसाइनेट बोलते हैं उसको, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। दूसरा बेंजीनिक बराबर ने बनाया, ये वाला ले रहे अपन एरोमेटिक वाला, यहां पे लिख दिया अपन NH2, ठीक है। और जैसे इसके अंदर मैंने CHCl3 और KOH डाला हीट करके, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, बेंजीनिक से जुड़ा हुआ NC, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, फिनाइल आइसोसाइनेट। और दोनों की स्मेल कैसी होती है, फॉल्स स्मेल होती है, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स, है ना, इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही सिंपल है, आपको आइडेंटिफाई करना है एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स। आपको पता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर तीन से चार चीज़ें जरूरी होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट, ठीक है ना, एक होता है रिएजेंट, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, हमेशा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंट दे रखा है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, बट मिसिंग क्या है, रिएजेंट्स, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर रिएजेंट्स आप तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आपको ये नहीं मालूम कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ये खूबसूरती होती है उसकी कि अगर आपको पता लग गया कि प्रोसेस में हो क्या रहा है, क्या चीज़ हट रही है, क्या चीज़ जुड़ रही है, ठीक है, और कौन कौन से मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो रहे हैं, उस बिहाफ पर ही हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे चार रिएक्शन लिखी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन के लिए,
तो अगर आपको पता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है, कौन सी चीज हटी और कौन सी चीज जुड़ी, ठीक है, तो उससे अपन क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि किसी के अंदर हाइड्रोजन हटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, रिएजेंट हम कौन सा यूज करेंगे, जो रिडक्शन करवाता हो, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कौन करवाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट करवाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, यही कंसेप्ट क्या पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो पहले प्रोसेस में देखो, सब कुछ सेम है, चेंज केवल कहां पर आया, इस लास्ट सेगमेंट के अंदर। देखो ध्यान से आप लोग, ये था एल्कोहल और ये था आपका एल्डिहाइड। तो एल्कोहल इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो हो सकता है आपने पूरे साल भर नहीं सीखी हो, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एल्डिहाइड में कर रहे हो, और एल्कोहल को एल्डिहाइड में करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। बात समझ आ रही है ना? तो आपको यहां पे क्या चाहिए, एक चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, वीक वाला। क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया अल्कोहल के अंदर, तो आपको मिलता कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको क्या मिलता, आपको मिलता C2OH स्ट्रॉन्ग वाले के अंदर, जैसे कि KMnO4 वगैरह, है ना। लेकिन आपने यूज किया है स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे PCC। PCC का पूरा नाम क्या है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC इसका आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया PCC। सेकंड में देखिए, ठीक है, कोई डाउट अगर है इसके अंदर तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि इसको कैसे करता है, पूरा मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगा, है ना। बाकी है बड़ा सिंपल। सेकंड में देखिए, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू CONH2, और CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड। दिस इज एमाइड। तो आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, OH हट रहा है, ध्यान से देख लो, OH हट रहा है, NH2 जुड़ रहा है, बाकी CO तो सेम ही है ना। देखो ये CO सेम ही है, बस OH हट गया और NH2 जुड़ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, किसके साथ में, आपको गर्म करना पड़ेगा इसको NH3 के साथ में, ठीक है ना। अमोनिया, अमोनिया के साथ में जब आप इसको गर्म करते हो तब क्या होगा, तब आपको मिल जाएगा आपका कंपाउंड। तो थोड़ी देर के लिए जो हमारा लाइट है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो माफी चाहते हैं उसके लिए। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अपन डिस्कस कर रहे थे सेकेंड वाला पार्ट की C2OH को हम लोग CONH2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अमोनिया यूज करना है, अमोनिया के साथ में हम इसको गर्म कर देंगे, तो इसका जो एक हाइड्रोजन है वो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H2O बाहर, ठीक है, और NH2 से जुड़ जाएगा CO के साथ में। तो ये भी हो गया आपका, है ना। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले के अंदर जो CO है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHOH में। मतलब आप कीटोन को, सीओ का मतलब क्या होता है, कीटोन, ध्यान रखिएगा, सीओ का मतलब क्या होता है, कीटोन। तो यू आर कन्वर्टिंग कीटोन इनटू अल्कोहल, और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको रिडक्शन करवाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ रहे हो, हाइड्रोजन, और जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑब्वियसली बात उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो कीटोन को अगर आपको रिड्यूस करवा के एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि यहाँ पे क्या होता है, LiAlH4, ठीक है। तो या तो आप LiAlH4 यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप NaBH4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, LiAlH4 या फिर आप NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। चलिए फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले के अंदर आपका जो CH2CH3 था, जिसको अपन कहते हैं इथाइल ग्रुप, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के अंदर, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के अंदर। और कोई डाउट नहीं है कि आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो या कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, देखो कैसे, पहले हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के क्या जोड़ रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट विल बी योर KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पे क्या हो रहा है। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया ना बॉक्स बना के, वैसे आपको भी ऐसे ही करना है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज होकर ही बैठे रहोगे। और एक बात सबसे जरूरी तो है कि आपको रिएजेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब तो आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, जो भी लिखना है लिख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो, है ना। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कीजिए इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एंड दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। क्या बोला गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एलिमेंट वाई फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। जब भी कोई सॉलिड बनता है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अपने आप को अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। उस लैटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में से एक टाइप है सीसीपी। इसका एक दूसरा नाम भी बताऊंगा मैं आपको, क्या ठीक है। एंड एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डेटा थे वो हमने मार्क कर लिए हैं, और इनके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, है ना। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। देखिए तो हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एटम्स है दो, एक है एक्स और एक है वाई। सब लोग ध्यान सुनिए, ठीक है। एक्स ने कौन सा अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर रखा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला अरेंजमेंट, ठीक है ना। यानी कि और तो, अगर हाँ अगर एक्स ने टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई कर रखा तो वाई ने क्या कर रखा होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि जब भी कोई क्रिस्टल बनता है, देखिए जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस बनता है तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर दो टाइप के आपको वॉइड्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक आपको मिलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ध्यान रखिएगा, तो अब किसी एक पार्टिकल ने, अगर किसी एक पार्टिकल ने ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रखा है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या करेगा, टेट्राहेड्रल करेगा, है ना। यही इसमें कंसेप्ट होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और टेट्राहेड्रल जो होता है वो क्या होता है, वो ऑक्टाहेड्रल का डबल होता है, यानी कि एन इंटू टू। बासिमारी की बात क्लियर होना चाहिए आपको, हाँ जी। तो वाई ने जो है ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम कहते हैं ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एन से रिप्रेजेंट करूंगा, पॉली मैंने किया है। एक्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टीवी, और टीवी का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल का डबल, यानी कि 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी 2/3, यानी कि 2n इनटू 2/3। ये अरेंजमेंट है किसका, एक्स का, लेकिन वाई का सिंपल सा अरेंजमेंट है वो है n, ठीक है। और जो यहां पे क्रिस्टल लैटिस बन रहा है वो सीसीपी टाइप का बन रहा है, सीसीपी को हम लोग एफसीसी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमारे पास इतना डेटा आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका रेशो लेना होता है। जो भी चीज समझ में आ रही है वीडियो को थोड़ा पीछे करो, समझ में आ जाएगा। जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रेशो लूंगा, 1:1। तो जब मैं रेशो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स रेशो वाई,
एक्स रेशो वाई, और एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। तो एक्स कितना है मेरे पास में, देखो 2n इंटू 2/3 रेशियो, y कितना है, y केवल n, देख रहे हो ना, ठीक है। तो n से n कट गया तो मेरे पास क्या बचा 4/3 रेशियो 1। अब n तो कट गया तो 1 ही बचा, जहां कुछ नहीं होता हूं 1 मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा 4:3, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या आया, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, हमारे पास में जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, दैट इज x कितना 4, तो x 4 और y कितना 3, इसलिए y 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इसको पूरा गो थ्रू कीजिए, नहीं समझ में आने पर पीछे से बैक कर लीजिए वीडियो को और फिर इसको नोट कीजिए। मैं फ्रेम से इसलिए हटता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे और आप नोट कर सकें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर भी देखा है, मैंने सैंपल पेपर्स के अंदर भी देखा है और ये मैंने कई मॉडल पेपर्स के अंदर भी देखा है। सिल्वर मिनट टेस्ट के बारे में काफी सारी क्वेश्चन हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली सिल्वर मिनट टेस्ट होता क्या है। तो जब भी अपन सिल्वर मिनट टेस्ट की बात करते हैं तो कुछ बातें जो आपके माइंड में होनी चाहिए अबाउट द सिल्वर मिनट टेस्ट वो ये है कि ये टेस्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, फॉर एल्डिहाइड ओनली। तो अपन क्या लिखेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। कीटोन का मत कर देना, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है और नहीं दे सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, एल्डिहाइड का ओनली। दूसरी चीज, ठीक है, जैसे ये पहला पॉइंट था इसके अंदर, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि सिल्वर मिरर टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो आपको ध्यान रखना है, इसके रिएजेंट का जो नाम है उसको अपन कहते हैं अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट। ये नाम है इसके रिएजेंट का, अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा स्क्रीन कंप्लीटली, है ना। तो अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट, अब अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नाम पता है फॉर्मूला नहीं पता तो ये बहुत गलती हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एजी NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव साइन एंड NO3 माइनस, ठीक है। दिस इज द केमिकल सिंबल, सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये रिएजेंट हमको डालना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अगर आपके पास में एल्डिहाइड है तो ये रिएजेंट क्या करता है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, और हाँ एक बात और, अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट का एक और नाम है जो काफी फेमस है, जो मैं अभी बताना भूल गया आपको, काफी फेमस है, हम क्या बोलते हैं बताइए, टॉलेंस टेस्ट या फिर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी एल्डिहाइड के अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाला तो क्या होगा, ड्यू टू टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स हैपन्स एंड फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा किसका, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगा,
आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। जब आपने ये चीज लिख दी है तो उसका सिंपल सा रिएक्शन भी लिख दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होना चाहिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ कि आपको आता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन, जैसे मैंने कोई भी आइडिया ले लिया, सपोज मैंने ले लिया CH3COH, दिस इज एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। और इसके अंदर जैसे ही आप अमोनोशियल सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, यानी कि आप जैसे आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3COO-। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, जो कि बाद में जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ अगर आपको सिल्वर मेरे टेस्ट के बारे में पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका टॉलरेंस रिएक्शन है ना, वो क्या कर रहा है, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही तो कर रहा है, इसलिए टॉलरेंस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इतना जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं था इसमें से कोई चीज अगर मिस हो रही थी तो यहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कम से कम है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर वाला जो सेक्शन होता है, जो स्टार्टिंग की जो सबसे पहला पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में आपको कम से कम 8 MCQs मिलेंगे, उसके बाद में आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब 1 लाइनर वाले मिलेंगे आपको, कि भाई इसका नाम लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे इसका IUPAC सिस्टम लिख के बताओ। ठीक है ना, तो पहले काम कीजिए, इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई कीजिए इसका नाम लिखना, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए इसका नाम कैसे लिखें। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं इसका नाम कैसे लिखना और क्या आंसर का सही होगा, और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं, पॉज कीजिए इसको वीडियो को। ठीक है, लिख लिया आपने, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। चलिए, सबसे पहले चीज, जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया हो तो कंपाउंड के अंदर हमको ये देखना होता है कि इसकी नंबरिंग कैसे करें। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रायोरिटीज। अब देखो इस कंपाउंड में क्या क्या चीजें अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो यहां पर OH दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप OH, और यहां पर दे रखा है डबल बॉन्ड ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप की, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूं तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, डबल बॉन्ड से, है ना। तो मतलब ये जहां पर होगा नंबरिंग वहां से ही शुरू होगी। ठीक है, तो मैं नंबरिंग 1 यहां से शुरू करूं, नहीं, आपको नंबरिंग ऐसी करनी है कि इसको सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, देखो कैसे, अगर मान लो मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसको कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है दोबारा, क्या 4 से भी कम मिल सकता है इसको, तो यहां पे तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है 4 से कम मिलने की, आपको भी लग रही होगी। ठीक है, मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, 1 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो जहां OH वाले कार्बन को पहले 4 नंबर मिल रहा था, 4th पोजीशन मिल रही थी, अब उसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, 3rd मिल रही है, अब 3rd से कम नहीं हो सकता, है ना, इसलिए दिस नंबरिंग इज करेक्ट। चलो अब देखते हैं, उसके बाद में सबसे पहले वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और 6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेक्स। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। अब हेक्सेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मदर चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी तो है, और डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन से, तो हेक्स 1-ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या अपन यूज करते हैं, सफिक्स ईन यूज करते हैं, है ना, तो हेक्स 1-ईन। उसके बाद में मेन फंक्शन ग्रुप का नाम, और मेन फंक्शन ग्रुप यहां पे क्या है, OH है, और OH के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सफिक्स, दैट इज ऑल। ठीक है, तो OH कौन से पोजीशन पे, 3rd पे, तो हेक्स 1-ईन 3
ऑल, तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, इसका एक और नाम जो है कई बुक्स के अंदर दिया हुआ है, मतलब कई अगर आप गाइड वगैरह पढ़ते हो तो उसमें दिया होगा, इसको कई बार हम लोग थ्री हेक्सिनॉल भी बोलते हैं, थ्री हेक्सिनॉल भी बोलते हैं, तो ये भी सही है ना। तो दोनों ही नाम सही है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया और ये हमको याद था तो हमने लिख लिया जो हमने देखे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो और अपने लिए वन मार्क सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। तीसरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब अपन फोर्थ पार्ट की प्लानिंग करते हैं। फोर्थ पार्ट अपन बनाएंगे, अपलोड कर दूंगा मैं जल्दी ही, या तो आज ही कर दूंगा या आज लेट थोड़ा लेट कर दूंगा मैं उसको अपलोड, या फिर कल सुबह तक आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ाई करते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। और उससे बड़ा काम क्या है, उससे बड़ा काम ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ याद नहीं हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो और कुछ और पढ़ लो, मतलब कुछ और दूसरा टॉपिक पढ़ लो जो आपको ईजी लगता हो, उसके बाद में दोबारा उस पर आओ। छोड़ना किसी को ही नहीं है, है ना। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है जब अपन कोई चीज़ छोड़ देते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, भागना जो है क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ से। आप किस टॉपिक से भागोगे, फिर बाद में एग्जाम में मान लो वही आ गया तो आप वहीं पे अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। तो भागना किसी चीज़ से नहीं, आपको उसको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ही आपको रिवाइज करते रहना है, रिकॉल करते रहना है। और आप कोई चीज़ तब तक लर्न नहीं कर सकते, तब तक याद आपको नहीं हो सकती जब तक आपका माइंड 24 आवर्स उसी टॉपिक के बारे में ना सोचता रहे। मतलब अगर आप 24 घंटे पढ़ाई से ही जुड़े हुए हैं तब आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे पढ़ाई याद हो तो अपने माइंड को हमेशा 24 घंटे केवल पढ़ाई में रखना है, भाई किसी काम में नहीं रखना है, चाहे वो दोस्ती यारी हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी हो, क्या बोलते उसको, स्पिरिचुअलिटी हो, है ना। हर चीज़ से आपको हटाना पड़ेगा और केवल किस पर रखना पड़ेगा, पढ़ाई में रखना पड़ेगा, है ना, तभी याद होगा। ओके, तो ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं देते, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।